राजभवन के समक्ष पंचायत सचिव अभ्यर्थी 21 दिनों से हड़ताल पर हैं। सोमवार से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि हम लगातार कई नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो रहा है। पंचायत सचिव अभ्यर्थियों ने यह भी कहा है कि हमारी भूख हड़ताल तब तक जारी रहेगी जब तक नियुक्ति पत्र उन्हें मिल नहीं जाता। जीएन भारत आपको यहां बताना चाहता है कि 19 जनवरी को कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से संकल्प संख्या 229 के तहत पत्र जारी कर पंचायत सचिव के विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद से राज्य भर के पंचायत सचिव अभ्यर्थी राजभवन के सामने धरना दे रहे हैं। पंचायत सचिव की परीक्षा के लिए 2017 में भी विज्ञापन निकाला गया था, यानी 2017 में ये भर्ती निकाली गई थी। पंचायत सचिव की परीक्षा कई चरणों में ली गई थी। इसमें 4,948 अभ्यर्थी पास हुए थे, लेकिन 19 जनवरी को परीक्षा संबंधी विज्ञापन ही रद्द कर दिया गया था। पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने कहा है कि सरकार बिना किसी कारण के पंचायत सचिव की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी है। हाईकोर्ट ने भी कहा कि हमारी नियुक्ति की जाए, लेकिन सरकार ने सब कुछ खत्म कर दिया। आश्वासन जैसा अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। जगन्नाथ माता जी ने कहा है कि कैबिनेट में हमारी बातों को रखेंगे। ये मिथिलेश ठाकुर जी का मैं फोटो लेकर के खड़ी हूँ, बैठी हूँ। इन्होंने कल कहा है कि आप लोग जाइए, आप लोगों का कैंसिल हो चुका है, आप लोग फिर से तैयारी कीजिए कि हम लोगों के पास और कोई काम नहीं है। हम लोग एक वैकेंसी को लेकर 5 साल उसके सारे प्रोसीजर को पूरा करें और फिर एक दिन ये उठ के बोल देंगे कि आप लोगों का कैंसिल हो चुका, आप लोग फिर से करिए, और हम लोग फिर से करने लगेंगे इसको। हम लोग नियुक्ति चाहते हैं, बस हमारा तो सारा प्रोसेस हो चुका है। हम लोगों को केवल नियुक्ति का ही वेट है, ज्वाइनिंग लेटर बस। हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2019 में कंप्लीट हो चुका है। आपने सरकार से पूछना चाहिए, सरकार से पूछना कि जब से ये बिहार से अलग हुआ है, पहला बार टाइपिंग पोस्ट में इतना बच्चा का सिलेक्शन हुआ है वन टाइम बेसिस पे। 2015 में एक वैकेंसी निकला हुआ था टाइपिंग पोस्ट पे, 3 बार लिस्ट निकाला जैसे से, एक कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है बाहर से, और हम लोग का 1 बार निकाला है, और कितना सारा कैंडिडेट सिलेक्शन हुआ है। वो मेहनत दिखती नहीं है इन लोग को, इतना मेहनत किए हैं ना वो टाइपिंग के लिए। जैसे वो ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना, उसे 8-8 घंटा हम लोग रेगुलर, वो 98% एक्यूरेसी है ना, किसी भी पूछ लेना वहाँ कचहरी बगल में ना, बोलना कि 98% एक्यूरेसी अगर टाइपिंग तो मार कर देगा, बोलेगा नहीं मार पाएंगे। ऐसा ऐसा हम लोग मेहनत किए, 6-6 घंटा 7-7 घंटा वो 6-6 महीना तक किए हैं टाइपिंग के लिए। पढ़ाई के लिए छोड़ दो, 18 साल पढ़े हैं, 18-18 घंटा रूम में पढ़े हैं, वो सब छोड़ दो, वो तो साइड में गया। ये टाइपिंग के लिए इतना प्रैक्टिस किए हैं कि ये जेएससी जाकर भी पूछना ना कि कभी आप टाइपिंग पोस्ट लिए हो, बोलेगा नहीं, निकाले थे लिस्ट लेकिन कोई सिलेक्शन ही नहीं हो पाया। कितना मेहनत किए हम लोग तो तब जाकर हम लोग इतना सिलेक्शन हुआ है, तो वो गवर्नमेंट को दिख नहीं रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।